तो यहाँ पर काफ़ी लोगों से मुलाकात हो रहा है और उस बीच में हमारा एक बचपन का दोस्त है, मंगल बोलते हैं, पहले रामगढ़ में ही रहता था और हम लोग बचपन से रहे साथ में। और ये वाला दोस्तों ज़्यादा भारी माल नहीं ना है, इसलिए जल्दी थोड़ा खाली भी हो जाएगा। और लोडिंग का भी जितना बात कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं आपको, हमको 2 दिन पहले बता दिए होते तो आज ही का आज आपका गाड़ी भी लोड हो जाता है। और हम लोग खाना ऑर्डर करके मंगा लिए हैं, लेकिन आज पहली बार देख रहे हैं कि यहाँ जो आया है वो मिट्टी का हंडी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों हम लोग अभी जमशेदपुर आ चुके हैं और अभी सुबह के 10 बज गया है, तो सारा देखिए मजदूर लोग भी आ गया है, सब खाली भी हो रहा है। इसी जगह बड़ा बड़ा बंडल है, ये माल तो देखे थे हम लोग हाजीपुर से लोड किए थे, तो अभी त्यौहार का टाइम है, गद्दा वगैरह सब, कल धनतेरस भी है तो बिक्री वगैरह भी होगा, दुकानदार को भी थोड़ा जल्दी है कि जल्दी खाली हो जाएगा तो अपना दुकान में सजाएगा ये सब। तो दोस्तों हम लोग खाली तो हो जाएगा टाइम से, लेकिन क्या है कि हम नो एंट्री लग जाता है यहाँ, तो नो एंट्री में फंसे रहते हैं। करीब 2 बजे नो एंट्री खुलता है, 2 से 3 बजे तक, उस बीच में हम निकलने का मौका मिलता है। तो ठीक है, खाली करवाते हैं और लोडिंग का भी बातचीत कर रहे हैं। और ये वाला दोस्तों ज़्यादा भारी माल नहीं ना है, इसलिए जल्दी थोड़ा खाली भी हो जाएगा। और लोडिंग का भी जितना बात कर रहे हैं, अभी पापा जो अचार वाला हम लोग यहाँ से लोड करते थे, तो वो बोल रहे हैं आपको, हमको 2 दिन पहले बता दिए होते तो आज ही का आज आपका गाड़ी भी लोड हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं बता पाए। चलिए कोई बात, हम लोग भी सोच रहे थे ट्राई करते अगर दूसरा माल मिल जाए, तो लोडिंग वाला अचार वाला तो बोल रहे हैं अभी नहीं हो पाएगा, और धनतेरस भी है कल, तो उसको लेकर भी कल मना कर रहे हैं। फिर भी देखते हैं, शायद बोले हैं कि ट्राई करते हैं बात करके, अगर लोकल का भी माल मिल जाए तो चलेगा, लेकिन लोकल तो भरना चाह नहीं रहे थे, लेकिन देखते हैं ट्राई करेंगे फिर। या और ये क्या है कि अगर हम लोग गाड़ी लेके खाली रांची भी चले जाएंगे तो माल मिलेगा भी तो यहीं वापस आना पड़ेगा, तो इसलिए रांची नहीं जा रहे हैं। और ये देखिए एक ठेला इनका लोड हो गया है और ये दूसरा ठेला भी लोड हो रहा है। दोस्तों मेरा गाड़ी तो खाली होना चालू हो गया है, ऐसे भी हम लोग खाली हो जाए तो जल्दी निकल नहीं पाते क्योंकि नो एंट्री में अभी हमें उतनी भी निकलेगा। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों से मुलाकात हो रहा है और उस बीच में हमारा एक बचपन का दोस्त है, इसका नाम है दीपक, और हम लोग का मतलब बचपन का नाम मंगल, मंगल बोलते हैं, पहले रामगढ़ में ही रहता था और हम लोग बचपन से रहे साथ में, खेले कूदे वहीं पर। ये भी इलेक्ट्रीशियन मिस्त्री है अभी जमशेदपुर में, तो बढ़िया काम कर लेता है। और ये बचपन से इसका भी शौक था, मेरा भी, हम लोग यही टाइम दिवाली में लाइट कितना बनाते थे, लाइट बना बना कंपटीशन एक दूसरे के घर में कि किसका घर अच्छा मतलब दिखेगा। हम थे, तुम था, एगो मुजहरा था, 3 लड़का हम लोग वहाँ का इलेक्ट्रीशियन में माहिर थे हम लोग कि दिवाली में घर को सजाना एकदम अच्छी तरह से। अब तो बेचारा का शादी ब्याह भी हो गया है, थोड़ा लेट हुआ है। पूरा नाम बताओ अपना। दीपक सिंह। दीपक सिंह। बचपन का नाम? मंगल सिंह। मंगल सिंह। भाई का कालिया, सोनू, ये सब जहाँ जहाँ मेरा बचपन का दोस्त मिलता है ना, हमको मिलकर बहुत खुशी होता है कि देखो इतना उम्र तक अभी तक हम लोग सब दाढ़ी बाल सब पक गया हम लोग का। ठीक है दोस्तों, इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, हमसे मिलने आए खास तौर से, इसका घर पिछले बार गए थे हम लेकिन मुलाकात नहीं हो पाया था, इस बार मुलाकात हो गया। दोस्तों अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं और बस एक बार माल लेके जाएंगे तो अपना गाड़ी पूरा खाली हो जाएगा। तो अभी एक भैया आए हैं लोडिंग के लिए, बात कर रहे थे। ये हमारा छत्तीसगढ़ का नंबर देख करके, तो वो ट्रांसपोर्ट लोगों का है कि ट्रांसपोर्ट लोग जिनको माल निकालना रहता है तो थोड़ा सा रनिंग मारते हैं, दिख गया उनको छत्तीसगढ़ का नंबर, कोई पूछे कि छत्तीसगढ़ आप जाते हैं तो बोले हाँ, तो वही आए इनसे माल का बात करने के लिए। तो जा रहे हैं इनका जगह देखने के लिए कि रात में गाड़ी कैसे लगे क्या होगा, उस हिसाब से कल लोड करेंगे। रायपुर का ही माल हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, ऐसे तो प्लानिंग तो आगे का था, अब दिवाली भी था तो दिवाली थोड़ा घर पे मना के फिर निकल जाएंगे। तो ठीक है, अभी निकलते जाते देख के आते इनका जगह। तो ठीक है दोस्तों, अभी पापा जा रहे हैं, पहले देख के आएंगे जहाँ पे लोडिंग होगा, पूरा जगह होगा रात में सोने के लिए यहाँ पे, क्या कि थोड़ा सही एरिया नहीं है इसी को लेकर यहाँ गाड़ी नहीं छोड़ सकते, इसलिए पापा जा रहे चेक करने के लिए। दोस्तों अभी 3 बज चुका है और हमारा गाड़ी भी खाली हो गया, हम माल देखने गए थे तो माल तो खैर पसंद आया, ठीक है, हल्का ही माल है। और सबसे बड़ा समस्या है कल धनतेरस है, पार्टी तो बोल रहा है कि हम 3 बजे तक गाड़ी निकाल देंगे, और तो यहीं पर खड़े अभी जा रहे, अभी रात में यहाँ से चले जाएंगे उनके गोडाउन में, वहीं पर गाड़ी लगा देंगे और कल अपना लोड होगा। और हमारे से मिलने के लिए कुछ समाज संस्कार बच्चे लोग आए हैं, इन लोगों का शौक़ है मेरे गाड़ी में बैठने का कि अंकल जी बनाते हैं वीडियो गाड़ी के अंदर, तो वही गाड़ी बोले कि जब बैठते हैं, तो ठीक है भाई, बच्चा लोग का शौक़ होना चाहिए, तो वही मेरे गाड़ी के अंदर बैठी हुई तीनों है, बहुत अच्छा लग रहा हमको भी देख करके, तीनों छोटा छोटा बहुत खूबसूरत बच्चियाँ हैं, आई मेरे गाड़ी में बैठी है, बहुत हमको भी बहुत अच्छा लगा, चलो भाई आज कोई बच्चा लोग का शौक हुआ मेरे गाड़ी में बैठने का। और ये इनका फादर है, आपका नाम? मेरा नाम आमिर हसन है। आमिर हसन जी है, ये भी हमसे मिलने आए हैं, जीटी रोड से आए हैं मिलने के लिए, और अभी बहुत अच्छा, ऐसे तो काफ़ी लोग आए थे लेकिन ये भी आए हैं, बहुत अच्छा लगा कि जीटी रोड तो काफ़ी दूर है, अपने तीनों बच्ची के साथ में, आपका तीनों बापी के बच्चे हैं, तीनों मेरी हैं, एक बड़ी का आयत है, मझली का अलीशा और छोटी वाली शुमाइला। चलिए, नाम तो बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया, हाथ हिलाओ बाबू, छोटा बाबू भी हिलाओ।
चलो डेली ब्लॉग देखते हैं आपका, तो इसलिए बच्चे भी बोले चलिए चलते हैं मिलने के लिए। बहुत बड़ा फैन मैं देखा ना अचानक से, अरे अच्छा अच्छा सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया, रोज रोज देखता हूँ। थैंक यू भाई, मैं तो अभी जस्ट देख के निकला हूँ सीता इनसे मिलने के लिए। देखिए ये भी भाई साहब आए हैं अभी, चॉकलेट लेके आए, चॉकलेट लेके आए, चॉकलेट है शुभम के लिए, हमारे लिए तो नहीं है, ये चॉकलेट लेके आए। स्कूल से जा रहे थे बच्चे लोग को लेके, दो बच्चे बाकी हैं अभी। अच्छा अच्छा, दो छोड़ के जाएंगे। चलिए ठीक है, ये छोड़िए बच्चा लोग, ठीक ठीक है दोस्तों। अभी हम जा रहे हैं, यहाँ खाली तो हो गया, आप जा रहे पार्टी से मिलने के लिए, जो अपना रिसीविंग का हिसाब उसाब करके आते हैं, फिर अपना यहाँ खड़ा रहेंगे, रात को फिर नोटी खुलेगा, रात को शायद निकलने वाला का, अभी तो नोटी लग गया, अभी तो नहीं हो सकेगा, रात को 10 बजे नोटी खुलेगा, फिर हम गोडाउन पे जाकर लगा देंगे, कल अपना लोडिंग होगा। दोस्तों अभी तो अपना गाड़ी थोड़ा आगे ले आए और गाड़ी अभी यहाँ पे लगा दिए है, तो थोड़ा पानी का प्रॉब्लम हो रहा है तो पानी लाने के लिए जा रहे हैं। तो अभी ये भैया मिले थे तो ये बोले कि अगर पानी का प्रॉब्लम हो रहा है तो आगे करीब कितना दूर है भैया पानी? ये ज्यादा नहीं, आपको 50-100 मीटर के आसपास में ही है। हाँ तो ये भैया गाड़ी लेके आए थे तो बहुत हेल्प कर दे रहे, बोले कि चलो बाल्टी लेकर हम लोग पानी भर के ले आते हैं। तो अभी इनकी गाड़ी के पीछे रख देते हैं बाल्टी, चलिए और अभी आगे जाएंगे तो वहाँ पे पानी भर लेंगे। फिर दोस्तों अभी रात के 7 बज चुके हैं और पानी लाने के बाद तो हम लोग गाड़ी में ही बस थोड़ा आराम कर रहे थे और अभी हम सोचे कि गाड़ी में कुछ खाना बनाएंगे, तो देखने अभी जा रहे थे तो गाड़ी में कुछ सब्जी ही नहीं है, बस मतलब ये बचा हुआ है, क्या बोलते हैं, आलू सिर्फ बचा हुआ है और कुछ नहीं है, आटा है, तो फिर कुछ बनाने में भी मजा नहीं आएगा, तो सोचते आगे फिर क्या करना है, नहीं तो बाहर से ही खाना मंगा लेंगे। और आज तो बहुत बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई लोग भी मिलने के लिए आए थे तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर भी। और अपना गाड़ी अब कल लोड हो ही जाएगा, ऐसा कोई नहीं है, नो एंट्री तो खुल गया था, फिर हम लोग निकले नहीं, हम लोग अब वो बोल दिए कि कल ही आना है, तो शाम में निकलते तो बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है, इसलिए हम लोग सोचे रात को 11 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और सुबह सुबह वहाँ गाड़ी लगा देंगे और कल गाड़ी लोड करके फिर निकल जाएंगे। ये भी सही है, रायपुर का डायरेक्ट माल हो जा रहा, तो रायपुर में क्या कि वहाँ से थोड़ा माल जल्दी जल्दी मिल जाता है, बाहर का भी अगर वहाँ मिल गया तो और भी ज्यादा सही रहेगा। दोस्तों गाड़ी तो हम खाली होने के बाद यहीं पर ले आए थे बैक करके, लेकिन उस समय कहा किया था कि काफी ज्यादा भीड़ भाड़ था, जाम था, बाइक वगैरह भी चल रहा था, तो अभी थोड़ा फाँका हुआ है, तो प्लानिंग हो रहा है, इससे हम लोग जाना इधर है, तो उस समय जगह नहीं मिला था हमको, काफी भीड़ भाड़ चलते गाड़ी बहुत ज्यादा चल रहा था, तो अभी देख रहे फाँका हो गया है, उधर गाड़ी को घुमा लें, क्योंकि जाना तो इधर है, गाड़ी हम लोग उल्टा लगा हुआ है, तो ठीक है दोस्तों गाड़ी को थोड़ा सा घुमाते हैं, इधर रखते हैं, फिर 11 बजे नोटी खुलेगा, फिर निकल जाएंगे यहाँ से। आइए ठीक है आइए, दोस्तों रात को 10 बज चुका है और हम लोग खाना ऑर्डर करके मंगा लिए हैं, तो ऐसे तो कई जगह से खाना मंगाए हैं लेकिन आज पहली बार देख रहे हैं कि यहाँ जो आया है वो मिट्टी का हंडी है उस पर दिया है, और ये भेज बिरयानी मंगाए हैं, क्या कि सुबह समझ चावल वगैरह खाए नहीं थे तो उसके लेके हम लोग इसी को मंगाए थे, तो देखते हैं इसको खोलने का तरीका, इसको फोड़ना पड़ेगा, आटा लगा हुआ है इसको, ये सबका होटल का अपना अपना तरीका है बनाने का, गिर रहा, रुक जाइए उसमें कुछ बिछा लीजिए, ये देखिए अभी हम बिछा लिए हैं क्योंकि इस पर सोते हैं तो उस पर गिर जाएगा, और गर्म है अभी, गर्म ही रहता है ये देखते हैं, ये देखिए, ये क्या चीज़ें चिपकाया था, हरा हरा आटा थोड़ी रहता है, आटा ही आटा से चिपकता है, अच्छा इसी में लग रहा है कि पका दिया है डाल करके, चम्मच वगैरह दिया नहीं है, चम्मच तो अपना निकलेगा, ये देखिए दोस्तों ये इसके अंदर में है और इसको पूरा उझलते हैं, दोस्तों ये देखिए पूरा निकाल लिए अभी, और यही है इसको रायता बोलते हैं, इसको थोड़ा डालते हैं, डालना है, डाल दीजिए थोड़ा, पहली बार आया है हंडी वाला, ठीक है टेस्ट बढ़िया है, टेस्ट बढ़िया है और बढ़िया लगा कि हंडी में मिला है, लग रहा है कि उसी में बनाया था, उसके बाद उसी को डायरेक्ट भेज देता है वो लोग, क्योंकि गर्म भी था, अभी भी गर्म भी था वो एकदम। दोस्तों खाना तो अपना हो गया, अब इंतजार करें नो एंट्री का, नो एंट्री खुलेगा तो फिर लेके जाएंगे वहाँ जहाँ लोडिंग होगा, उसी गोडाउन पर गाड़ी लेके जाना है, तो ठीक है दोस्तों इंतजार करते अभी नो एंट्री खुलने का। दोस्तों अभी रात के 11 बज चुके हैं और हम लोग निकल गए हैं जहाँ पे हम लोग को जाना है लोडिंग के लिए, तो ज़्यादा दूर नहीं और 1 किलोमीटर रास्ता बचा है फिर हम लोग पहुँच जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, तो वो भैया हम लोग को लोकेशन दे दिए थे जहाँ पे जाना है, अब ज़्यादा नहीं बस थोड़ा ही दूर है,
यहाँ पे हमारा गाड़ी लोड होगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिन है और अभी सुबह का 9 बज रहा है और हम लोग आ गए लाल बाबा। इधर लाल बाबा गोडाउन बोलते हैं, छोटा मोटा फैक्ट्री बहुत है, प्लांट है यहाँ पे, तो यहीं पे हमारा गाड़ी लोड होगा। तो आज हमारा गाड़ी लोड हो जाएगा, देखते हैं। समय तो है कि दिन भर लोड हो जाएगा, मेरा बोला तो है कंपनी वाला लोड के निकाल देगा, तो कल हम लोग घर भी पहुँच सकते हैं, अपना दिवाली मना के फिर निकलेंगे। तो दोस्तों, नो एंट्री का यहाँ जो सिस्टम था, जो 3 बजे छोड़ता था जाने के लिए, तो वो नहीं छोड़ रहा है। पेपर में दिया है, देखे पेपर में हम, कि 3 बजे से 9 बजे तक नो एंट्री लगा हुआ है, रात को 9 बजे के बाद ही छोड़ेगा। तो रात में ही निकल पाएंगे हम, फिर तो दिन में निकल नहीं पाएंगे। ऐसे और भी पता कर रहे हैं कि हो सकता है जाने वाला 3 बजे से पहले छोड़ता तो अलग बात है। तो ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग टाटा से कब निकले हैं। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।